मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीलम गर्ग। आज हम बनाएंगे चटपटा आंवला कैंडी। उसके लिए हमने 500 ग्राम आंवले लिए हुए हैं जिसको हमने अच्छे से वॉश करके रखा हुआ है। 300 ग्राम हमने चीनी ली हुई है। सबसे पहले हम आंवलों को बॉईल कर लेंगे, एक कुकर लेंगे और उसमें आंवले को ऐड करेंगे। एक कप हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। गैस को ऑन कर देंगे, फ्लेम को हम हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पे हम इसमें एक विसिल आने तक इसको बॉईल करेंगे। हमें इन्हें बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। एक विसिल आते ही हम गैस को ऑफ कर देंगे, आंवलों को बॉईल होने देते हैं। कुकर हमारा ठंडा हो चुका है, प्लेट को हम अलग कर देंगे। आंवले हमारे अच्छे से बॉईल हो चुके हैं, अब हम इनको अलग निकाल लेंगे। एक एक आंवले को उठाएंगे और प्लेट में रख लेंगे, उनको ठंडा होने देंगे। सभी आंवलों को प्लेट में अलग निकाल लेंगे। सभी आंवलों को हमने कुकर से अलग निकाल लिया है, अब हम इसको पीसेस में निकाल लेंगे। इस तरीके से सभी को पीसेस में अलग बड़े बाउल में निकाल लेंगे। बीच को हम अलग निकाल देंगे। आंवलों को सिर्फ हमें इतना ही कुक करना है, हमें इससे ज़्यादा बिल्कुल भी इन्हें कुक नहीं करना है। सभी पीसेस को इसी तरीके से अलग निकाल कर बाउल में रख लेंगे। आंवले के सभी पीसेस को हमने अलग निकाल लिया है और बीज को हमने अलग निकाल दिया है, इसको हम फेंक देंगे। आंवले में अब चीनी मिक्स करेंगे। चीनी को चारों तरफ इस तरीके से फैला देंगे बाउल में। अब हम इसे कवर करके एक दिन के लिए छोड़ देंगे, जिससे चीनी हमारी सारी मेल्ट हो जाएगी। चीनी अपने आप से ही मेल्ट हो जाएगी, हमें इसमें बिल्कुल भी पानी मिक्स नहीं करना है, क्योंकि आंवलों में बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चर होता है, इसीलिए चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। एक बार हम इसको 4 से 5 घंटे के बाद हल्का सा मिक्स कर देंगे, जिससे चीनी अच्छे से इसमें कोट हो जाए, और इसको हम कवर करके रख देंगे। कवर करके इसको छोड़ देंगे। 7 से 8 घंटे हो चुके हैं आंवलों को चीनी में अच्छे से डिप करे हुए, और चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितने जूसी हो गए हैं ये, और हम इनको तब तक रखेंगे तब तक ये अच्छे से चाशनी को एब्जॉर्ब ना कर ले। इसको इसी तरीके से कवर करके छोड़ देंगे 2 दिन के लिए। 2 दिन बाद हम इसको चेक करेंगे। फ्रेंड्स, आंवलों को रखे हुए चीनी में 3 दिन हो चुके हैं और चीनी बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। आंवलों को जितनी चीनी एब्जॉर्ब हमने अंदर करनी थी उतनी उन्होंने कर ली है, ये बहुत ही अच्छे से मीठे हो चुके होंगे। अब हम इनको सारा जूस अलग निकाल लेंगे। एक बर्तन लेंगे और सारे जूस को अलग निकाल लेंगे। कुछ देर के लिए इसको हम छलनी में इसी तरीके से छोड़ देंगे, जिससे सारी चीनी इसमें अलग निकल जाए। सारा जूस नीचे आ चुका है, अब हम इसको इस तरीके से थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे और फिर हम इसको बाद में धूप में सुखा लेंगे। आंवले में से सारा सिरप नीचे आ चुका है, अब हम इसे एक थाली लेंगे और थाली में डाल लेंगे। फ्रेंड, 2 से 3 दिन हो चुके हैं, आंवला कैंडी को हमने अच्छे से धूप में रखकर सुखा लिया है।
ये धूप पर थोड़ा डिपेंड करता है कि धूप तेज़ है या कम है, उसी हिसाब से हमें इसे सुखाना है। हमें इनको बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा नहीं सुखाना है, हमने इसको इस तरीके से ऊपर से इनको बिल्कुल ड्राई करना है क्योंकि इसमें चिपचिपाहट नहीं होनी चाहिए चाशनी की, और अंदर से हल्के से ये इस तरीके से हल्के से सॉफ्ट होने चाहिए। अगर हम इसको बहुत ज़्यादा सुखा लेंगे तो ये खाने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगेंगे, और ये बिल्कुल अच्छे से सूख चुके हैं। अब हम इनको तैयार कर लेंगे, एक बड़े बाउल में ऐड करेंगे। सभी आंवला कैंडी को हमने बड़े बाउल में ऐड कर लिया है। अब हम इसके लिए मसाला तैयार करेंगे। हमें आंवला कैंडी चटपटी बना रहे हैं इसीलिए हम इसमें इन चीज़ों का यूज़ करेंगे। हमने 3 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी ली हुई है, 1/2 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर लिया हुआ है, 1/2 टीस्पून हींग लिया हुआ है। हींग बिल्कुल बारीक पिसा हुआ होना चाहिए। यहाँ पर हमने लिया हुआ है अमचूर पाउडर 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून काला नमक ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून वाइट नमक ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर का ऐड किया है, आप चाहें तो इसकी जगह काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, 1/2 टीस्पून जिंजर पाउडर ऐड करेंगे। सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले हम इसमें पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों को। चीनी हमारी अच्छे से कोट हो जानी चाहिए आंवले पे। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और बहुत ही हेल्दी चीज़ है ये कैंडियाँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। आप इन्हें तैयार करके रख लेंगे, एक साल तक भी ख़राब नहीं होती हैं। आप इन्हें दो तीन पीस रोज़ अगर खाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा हमारी आंखों के लिए, बालों के लिए, सभी चीज़ों के लिए बहुत ही डाइजेशन में भी हेल्प करती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और ये जिनको आंवला पसंद नहीं है अगर ये कैंडी खाएंगे तो उनको भी आंवला टेस्टी लगेगा। चीनी को हमने अच्छे से आंवले पे कोट कर लिया है। इसमें एक्स्ट्रा चीनी इस तरीके से दिखाई दे रही है तो हम इसको एक बार छान लेंगे जिससे इसमें एक्स्ट्रा चीनी पाउडर निकल जाए। एक बाउल लेंगे और उसमें छलनी रखेंगे और सभी आंवला कैंडी को इसमें ऐड करेंगे। सभी एक्स्ट्रा चीनी को इसमें निकलने देंगे। सारी चीनी अलग निकल चुकी है, अब हम इसे फिर से इस बड़े बाउल में ऐड करेंगे। बाकी मसाले भी इसी में ऐड कर देंगे। इससे बहुत ही चटपटी आंवला कैंडी बनकर हमारी तैयार होगी। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्का से इसे टॉस कर लेंगे। सभी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब इसे एयरटाइट कंटेनर में भर के रख लेंगे। हम एक जार लेंगे और सभी आंवला कैंडी को इसमें भर के रख देंगे। चटपटी आंवला कैंडी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। अगर आपको मेरी रेसिपी जरा सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारी रेसिपी से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।